दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरूका के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बनाना। तो बात करते हैं जहाँ पे दुबई में चल रहा है इंटरनेशनल लीग T20 का दूसरा सीजन चल रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 15 मैच की, जो कि टूर्नामेंट की टॉप टीम और बॉटम टीम के बीच में यह मैच होगा, जहाँ पे एक तरफ डीजेट वाइपर्स है तो दूसरी तरफ MIMAX है। यह मैच 30 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 66% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 33% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 171 है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 172 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे डिजर्ट वाइपर्स एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे MIMAX भी एक मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम डिजर्ट वाइपर्स का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम को अब तक 4 मैच खेल के आ रही, जिसमें से एक मैच में जीत मिली और 3 मैच हार के आ रही, जहां पे टीम टेबल नंबर 6 पे स्टेबल है और सबसे नीचे है। वहीं लास्ट दो गेम की बात करें जहां पे वो भी टीम हार के आ रही, जहां पे टीम के कैप्टन को देखा जाए कॉलिन मुनरो जो कि फ्लॉप में चल रहे हैं, ओपनिंग में बात करें तो एलेक्स हेल्स एंड मुनरो जो टीम को स्टार्ट देंगे। लास्ट मैच की बात करें तो जहां पे हेल्स ने लास्ट गेम में 61 की इनिंग खेली थी, मिडिल ऑर्डर में जहां पे एडम होज है, डैनियल लॉरेंस जो टीम को स्टेबल करेंगे, होजम ने 4 मैच में 103 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर है, वनिधु हसरंगा यहाँ पे नंबर 4 पे बैटिंग की चांस मिल सकता है और मैच में कभी भी गेम को प्लस सकते हैं, जो इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। विकेटलेस जो कि आजम खान है, और राउंडर जहाँ पे सरफेन अदर फोर्ड हैं, बास दे लीडर जो टीम को एक्स्ट्रा एज देते हैं। बॉलिंग में बात करें तो जहाँ पे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर जो टीम को लीड करेंगे, शाहीन अफरीदी में टीम में जुड़ चुके हैं, टाइमल मिस एंड कॉटल जो टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, स्पिनर में जहां पे सदाब खान जो कि लास्ट गेम में विकेट लेस थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो है, एडम होज, मुस्तफ़ा आजम खान, सदाब खान, शाहीन अफरीदी है, सरफेन रदरफोर्ड है, वनिधु हसरंगा, मोहम्मद आमिर, टाइमल मिल्स। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे हसरंगा है, कॉलिन मुनरो, एडम होज है। अब बात करते हैं दूसरी टीम MIMAX का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम टूर्नामेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस करके आ रही है, टीम ने अब तक 5 मैच खेले जिसमें से 1 मैच में उसे हार मिली और 4 मैच जीत के आ रही है, जहां पे टीम नंबर 1 पे स्टेबल है, टीम लगातार 4 मैच जीत के आ रही है, जहां पे MIMAX में बहुत सारे अटैकिंग बैटर्स ऑलराउंडर की भरमार है, टीम के पास एक्सपीरियंस प्लेयर जहां पे निकोलस पुरन जो टीम के कैप्टन है, कुशल परेरा, यू का स्टार बैटर जहां पे मोहम्मद वसीम बैटिंग की शुरुआत करने के लिए तैयार है, वहीं वसीम ने लास्ट गेम के हीरो थे, उन्होंने 87 रन बनाए थे, अंबायती राजी जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे, ड्वाइन ब्रावो जो टीम के एक्सपेक्टर है, टीम डेविड जो कंसिस्टेंट नहीं है, नंबर 5 पे जो फ्लेचर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब बात करते हैं इनके बॉलिंग में, जहां पे टीम के पास एक्सपीरियंस बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट जो फास्ट बॉलिंग इनको लीड कर रहे हैं, फाजल फरूकी ने लास्ट 3 गेम में विकेट लिए थे, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में कैशिगो रबा बॉलर जो अकील हुसैन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एंड्रे फ्लेचर है, मोहम्मद वसीम है, विल समीद है, निकोलस पुरन है, अंबायतु राइडू, ड्वान ब्रेवो, अकील हुसैन, ट्रेंट बोल्ट, फजल फरूकी, आसिफ खान। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे निकोलस पुरन है, ड्वान ब्रेवो, ट्रेंट बोल्ट है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं विनर अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बना MIMAX होगा, क्योंकि MIMAX काफी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, रिसेंटली बात करें तो काफी अच्छा मैच भी खेल के आ रही, यहां पे डिजर्ट वाइपर्स को इजीली वे में हरा सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।